राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव ने अप्रोच रोड टूटने का मामला उठाया तो बिहार के मंत्री बोले, 9वीं फेल को भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का शौक हो गया है। जी हां, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गोपालगंज के बांगरा घाट पुल के अप्रोच रोड के टूट जाने का मामला उठाया तो जदयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव और उनके परिवार को सब कुछ सुना दिया। क्या क्या कहा है नीरज कुमार ने, आइए देखते हैं। परिवार को ढाढ़स और साहस देने के बजाय आपत्तिजनक पोस्ट, एहसास नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार ही नहीं देश के युवाओं के धड़कन थे, सुपरस्टार थे, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ये साजिश करके देश की प्रतिभा के साथ, जो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, पर्दा जरूर उठेगा। कौन इसके लिए गुनाहगार है? आम आवाम को भी इस बात की चिंता है कि उनके परिजन को भी न्याय मिलना चाहिए, उनको पसंद करने वाले लोगों को भी न्याय की आकांक्षा है, और देश की जनता की, संवैधानिक संस्थाओं की भी आकांक्षा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पर्दा जरूर हटना चाहिए। साथ ही साथ अगर ये मीडिया में बात नहीं आती, दोषारोपण कर रहे हैं, तो गुनाहगार तो अंडरवर्ल्ड की शरण में जा चुके थे। कौन नहीं जानता है कि कैसे लोग अपनी भूमिका इस संबंध में अदा किए हैं? देश और दुनिया की मीडिया ने इसको दिखा करके गुनाहगार और कातिल जो पर्दे के पीछे खड़े थे, जो विभिन्न उसके आयाम हैं, उसको सामने ला करके खड़ा किया है। तमाशा तो किसने बनाया? मुंबई पुलिस यूडी केस दर्ज करती है, अनुसंधान करके रफा दफा करने की तैयारी थी, लेकिन उनके चाहने वाले और उनके परिजन के धैर्य और साहस संकल्प के बदौलत बिहार में FIR होता है, और जो विधि सम्मत है, अब तो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, लेकिन आपत्तिजनक पोस्ट कर करके, चरित्र हनन करके, आप इस न्याय की आकांक्षा वाले जो देश के लाखों करोड़ों लोग हैं, उनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकते। देश न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, न्याय जरूर मिलेगा। घोर कलयुग है। चरवाहा विद्यालय को रोल मॉडल मानने वाले धारा 420 420 के आरोपी तेजस्वी यादव, जिनके पिता धारा 420 420 के मामले में सजा याफ्ता है, भ्रष्टाचार पर प्रवचन दे रहे हैं, 420 का आरोप झेल रहे हैं, 15 वर्ष लालूवाद की विचारधारा में तो एक पुल का निर्माण हुआ नहीं, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता रहा नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से आपको एहसास कहां से होगा कि अंतर्राष्ट्रीय नदियों का कहर बिहार को कैसे झेलना पड़ता है। अत्यधिक वर्षापात, बंगरा घाट जो का पुल अपने 15 वर्ष के शासन काल में तो गोपालगंज के लोगों को और सीवान के लोगों को, सारण और मुजफ्फरपुर के लोगों को तो कोई संपर्कता दिया नहीं। अत्यधिक वर्षापात के कारण, अंतर्राष्ट्रीय नदियों के अत्यधिक जलस्राव के कारण अप्रोच रोड में परेशानी तो आज नहीं हुई है, 15 से 20 दिन पहले हुआ है। अब विभाग ने तुरंत इसको संज्ञान में लिया, कार्रवाई सुनिश्चित किया, पुल के क्वालिटी पर कोई भी कहीं शक की कोई गुंजाइश कोई नहीं खड़ा कर सकता है। ये प्राकृतिक आपदा है, तो आप तो संपत्ति के वर्षापात वाले हैं, आपको वर्षापात कहां से नजर आएगा? इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी बहस करना चाहते हैं विकास के एजेंडे पर, तो हमारी पार्टी जनता दल यू के पंचायत के अध्यक्ष, आपके पैतृक गांव के फुलवरिया के माननीय योगेंद्र राम जी से आप बहस कर लीजिए, वह आपको आईना दिखा देंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र में मंत्री रहते कौन कौन सी कार्य योजना को अंजाम दिया, और 15 वर्ष में आपने फुलवरिया सहित
पूरे बिहार में विभिन्न जगहों पर क्या क्या संपत्ति अर्जित किया और विकास का कौन सा काम किया, इसका आईना तो हमारा पंचायत अध्यक्ष ही आपको दिखा देगा। माननीय नीतीश कुमार जी से अपनी तुलना कर रहे हैं जो 420 का आरोपी हो। ये दुर्भाग्य है राजनीति का कि विपक्ष का नेता 420 का आरोपी और पिता, उनके पिता 420 के सजा याफ्ता।